असलामुअलैकुम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बैरिया टाउन के अंदर, जहां बैरियन पेडलर्स क्लब की जानब से एक इवेंट मुनक्किद किया गया है, जिसमें छोटे बच्चे और औरतें और जितने भी नौजवान हैं यहां पे मौजूद हैं और यहां पे साइकिलिंग करेंगे। इस इवेंट का मकसद क्या है और ये इवेंट क्यों अरेंज करवाया जा रहा है, चलिए जाके कुछ लोगों से बात भी करते हैं और बाकी जहाँ एक्टिविटीज़ भी देखते हैं। जी, तो हमारे साथ उस्मान ख्वाजा और मज़हर अली खान साहब मौजूद हैं, जो कि जितनी भी चल रही है, जिसमें साइकिलिंग और ये सारा कुछ फैमिली राइड वगैरह चल रही है, फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, इस सबको ये दोनों लीड कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये करने का मकसद क्या है और ये क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे इनका विजन और मिशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। मैंने कुछ अर्सा पहले, 2 साल पहले एक साइकिल ली और मैं अकेला राइड करता था, तो मैंने कहा यार अकेले में मज़ा नहीं आ रहा, क्यों ना अपने साथ कुछ दोस्त मिलाए जाएँ, नई दोस्तें बनाई जाए, उनके साथ ग्रुप राइड की जाए। तो मकसद ये था कि हमारे साथ मुख्तलिफ मेंबर्स, बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें, मर्द, ख़वातीन सारे हों, ताकि हम इकट्ठे ग्रुप राइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे ग्रुप राइड करते हैं, हमारी डेली राइड होती है। अच्छा, ये कितने अर्से बाद आप इवेंट स्टार्ट करते हैं? इवेंट हमारा जो है नॉर्मली, वैसे तो अब हमने ये मशवरा किया कि हमारा एक महीने में एक या दो इवेंट हम इस तरह के किया करेंगे। ये हमारा दूसरा बड़ा इवेंट है। ये आपका दूसरा बड़ा इवेंट है। और के क्लब कौन सा है आपका, रजिस्ट्रेशन किस तरह से लोग करवाते हैं, किस तरह से फैमिलीज़ आपके साथ कांटेक्ट करती हैं? हमारे इस ग्रुप का नाम है बैरियन पेडलर्स क्लब, ठीक है। इसमें हमारे 3 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है वो है पब्लिक के लिए, उसमें कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है, और दूसरा ग्रुप है रजिस्टर्ड मेंबर के लिए, तीसरा ग्रुप है ओनली फीमेल्स के लिए, उसकी राइड हम जल्द शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई चार्जेस नहीं है, जो बंदा जब मर्जी आए ज्वाइन करे, हम बस ये चाहते हैं कि इकट्ठे हम राइड करें। अच्छा, आपने भी स्टार्ट किया क्योंकि हमारे जो आजकल के लोग हैं वो बहुत कम स्पोर्ट्स की तरफ आपको नज़र आते हैं, ठीक है, तो आपको रिस्पांस किस तरह से आया और किस तरह से फैमिलीज, बच्चों ने किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया और किस लेवल पे जाके आपको रिस्पांस सामने आया आपके? स्टार्ट में तो रिस्पांस इतना नहीं था, लेकिन बाद में रिस्पांस बढ़ता गया क्योंकि हमने अपनी फॉर्मेशन बनाई, हमने इसको ब्रांड बनाया, तो लोगों को आइडिया हुआ कि हाँ यार यह एक बहुत अच्छा ग्रुप है जिसको हम बैरिया में ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों ने हमें बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया। हम कभी राइड कर रहे होते हैं, लोग गाड़ियों पर रुक के कहते सर जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर वो लोग कल हमारे साथ जो है वो राइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अक्सर बहरिया में घूम रहे हो तो बहुत से छोटे बच्चे और बहुत से लोग, उन्होंने अपनी पूरी किट पहनी होती है, वियर की होती है और साइकिलिंग कर रहे होते हैं, तो वो सारी आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है कोई? हाँ, जाहिर है हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उसके बगैर हम मेम्बर्स को कहते हैं कि हम आप हमारे साथ राइड नहीं कर सकते। हमारे सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपने हेलमेट तो लाजमी पहनना है, विदाउट हेलमेट हम राइड नहीं करते। और हमारी ये, और इवन कि हमने अब बहरिया में भी ये सब चीज़ें अवेलेबल करवा ली हैं, क्योंकि हमें बहुत दूर नीला गुब्बा जाना पड़ता था, अब हमने ये अपना लॉन्च बनाया जहाँ हमारे पास साइकिल्स हैं, हेलमेट्स हैं, पूरी किट पड़ी है हमारे पास। हम अपने मेंबर से कहते हैं आप विदाउट किट हमारे साथ राइड नहीं कर सकते, हम इस मामले में बहुत सख्त हैं। अच्छा सर, अगर हम देखा जाए तो आजकल हमारे पूरे जितना भी पाकिस्तान के अंदर कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और सारी वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि अनहेल्दी हैं, लेकिन ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और एक सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, इसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि पेंडेमिक जिस तरह आया था, इसमें लोग घरों में मैसूर होकर रह गए थे, तो एक ट्रेंड चला पूरी दुनिया में जिसमें लोगों को बताया गया कि जी एक्सरसाइज में आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप होती है, तो उसको लेके हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था हमारा कि जी एक्सरसाइज, हर बंदा तो आपको पता है जिम जाते हैं, थोड़े से बाद छोड़ देते हैं, तो साइकिलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो ये आपकी कम्प्लीट बॉडी जो एक्सरसाइज है। तो आपको पहले पता है कि जी बच्चे पुराने ज़माना तो नहीं कह सकते, कुछ अर्सा पहले बच्चों को बाहर नहीं जाने देते थे लोग, आजकल ये है कि उनके हाथ में मोबाइल और ये चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि वो बिल्कुल जहाँ पे बैठे होते हैं दो दो तीन तीन घंटे वहाँ पे बैठे। अब ये एक ट्रेंड चला है कि लोग कहते हैं कि यार कोई हमारे बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी हो, बाहर जाएँ, कोई राइड करें या कोई इस तरह की कोई हेल्दी एक्टिविटी, तो ये हमारे लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। आपको पता है कि जब भी पहले आती थी साइकिल घर में तो बड़ी खुशी का माहौल होता था, तो अब ज़रा थोड़ी सी ये नीचे चली गई थी, तो उसको हम बैरिया टाउन में थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये है कि आपके रिस्पांस सामने है। तो अच्छा, आपने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी रजिस्ट्रेशन है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जारी बात है जब इवेंट मैनेज करते हैं तो उसके अलावा आपको कॉस्टिंग वगैरह का इशू होता है, तो वो आपको कौन सपोर्ट करता है? और दूसरा, आपने यहाँ से स्टार्ट किया प्राइवेट लेवल से, तो आप इसको गवर्नमेंट लेवल पर कोई करना चाह रहे हैं? सर, जो आपने भी बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट और ये चीज़ें, तो अभी तक हम जो है कोई स्पॉन्सर नहीं है हमारे पास, हम मैं और ख्वाजा साहब इस पूरे को मैनेज कर रहे हैं, बस
एक ट्रेंड देना चाह रहे हैं लोगों के कि जी एक ये भी एक्टिविटी है जो अगर आप करना चाहें तो उसके लिए लंबी चौड़ी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। रोज़ जिस तरह हम 7:30 बजे राइड करते हैं, वो तकरीबन कुछ 6-7 माह से तो मैं कर रहा हूँ, ख्वाजा साहब 2 साल से करवा रहे हैं, तो उससे ये डेवलप हुई है और अब आपके सामने के लोग आ रहे हैं तो मसलन हमारे एक कॉल पे इकट्ठे हुए हैं, बाकी रिस्पॉन्स देखते हैं आगे क्या बनता है।